friends, I am Gopal Kumar, your computer teacher. Today we will learn chapter 1. See, computer is a machine. हम लोग को पढ़ना है computer यानी computer एक machine. ठीक है, तो कैसे है, क्या है, वो हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे. हम लोग को इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं. नेचुरल थिंग्स, ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें. मैनमेड थिंग्स यानी हमारे द्वारा जो चीज़ें बनाई गई उनके बारे में. मशीन्स क्या होते हैं, ठीक है, मशीन दो टाइप्स के, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इनसाइड होम आउटसाइड हो, तो उनके बारे में पढ़ना है. और कंप्यूटर इज ए मशीन, उसके बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर एक मशीन है वो. तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. तो चैप्टर के शुरू में आपको क्या बताया गया है कि कोई भी एक नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग बनाने के लिए कहा गया था. तो एग्जाम्पल दिया गया उसका, तो एक रेनबो बनाया गया, ठीक है. तो रेनबो क्या है, नेचुरल थिंग है, वो प्राकृतिक रूप से बनता है, उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है. और मैनमेड में हो गया जैसे आपकी स्कूल बस, ठीक है, आप जिससे स्कूल की गाड़ी वैन हो गई, जैसे आप डेली स्कूल आते हैं, ठीक है, या फिर साइकिल हो गए, फिर आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, या मार्कर देख सकते हैं, वो सब चीज़ें. तो अगर हम लोग अच्छा से और बात करें तो नेचुरल थिंग क्या होंगी, ठीक है, नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग्स में क्या डिफरेंस होगा. तो हम लोग के आसपास की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, जो नेचुरल है, मतलब पहले से हैं, उनसे हमें, मतलब हम उनको नहीं बनाते हैं. जैसे सूरज हो गया, सन, ठीक है, चांद हो गया, मून, ठीक है. इसके अलावा बर्ड्स हैं, स्टार्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है. तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो, मतलब हम लोग उनको नहीं बनाते हैं. काऊ है, डॉग है, ठीक है, कैट है, रैट है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है, ठीक है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको हम लोग नहीं बनाते हैं. और मैनमेड, ठीक है, अगर हम मैनमेड की बात करें तो क्या है, मेन मतलब हम लोग, और मेड मतलब बनाए. तो हम लोग के द्वारा जो बनाया गया हो, मेन मैड, ठीक है. तो हम लोग के द्वारा जो भी चीज़ बनाया गया है, जैसे सिलाई मशीन हो गई, ठीक है, इसके अलावा फ्रिज है मेरे में आपके, ठीक है, वो फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, ठीक है, पंखा है, और साइकिल है, बस है, स्कूटर है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये सब क्या है, आपका खुद का घर भी है, तो ये सब मैनमेड थिंग्स हैं. तो थिंग्स दो टाइप्स हो गई, नेचुरल, मैनमेड, ठीक है. तो नेचुरल में सन, मून, ठीक है, और ट्रीज, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, डॉग, कैट, ये सब. और मैनमेड में जो चीज़ें हम लोग के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, साइकिल, ट्रेन, बस, गन, मार्कर, ये सब चीज़. तो आपको यहाँ पे क्विक असेसमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे, ठीक है. उसमें आपको क्या करना है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको ग्रीन से, ठीक है, और जो मैनमेड थिंग्स हैं उनको रेड से. तो आप इसको सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है, आप सर्कल करेंगे. इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं मशीन्स के बारे में. तो मशीन्स क्या होती हैं, मशीन्स मैनमेड होती हैं, ठीक है. तो मशीन जो भी चीज़ होगा वो कैसा होगा, मैनमेड होगा, हम लोग के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा ये जो काम करेंगे वो बहुत आसानी से और फास्ट, ठीक है. जैसे हम उनको एग्जाम्पल देते हैं शॉर्पनर का, ठीक है, जैसे हम लोग पेंसिल तो, ठीक है, छीलते हैं, साफ करते हैं. तो अगर वो शॉर्पनर नहीं रहेगा तो आप पेंसिल कैसे करेंगे, फिर आपको ब्लेड से या मतलब बहुत सारे तरीके लगाने पड़ेंगे, ठीक है. तो वो जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा. और अगर आप शार्पनर से करते हैं तो क्या होगा, शार्पनर से तुरंत हो जाएगा और अच्छे से होगा. तो ईजी, बहुत आसानी से हो गया और फास्ट, बहुत जल्दी हो गया. तो मशीन जो भी होगी, उन मशीन को दो चीज़ होना चाहिए, वो काम को क्या कर दें, ईजी कर दें और फास्ट कर दें, ठीक है. इसके अलावा वो मैनमेड होगी, इसके अलावा वो टाइम बचाएंगे आपका, अगर वो फास्ट काम करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है. और ये हर जगह मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग बनाए हैं तो हम लोग जहाँ चाहें उसको लेके जा सकते हैं. तो अब मशीन में हम लोग को यहाँ पढ़ना था दो टाइप्स के, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इनसाइड हाउस, आउटसाइड हाउस. तो घर के अंदर जो मशीन है और घर के बाहर जो मशीन है, ठीक है. तो घर के अंदर और घर के बाहर कौन सी मशीन होगी, जैसे आपके घर के अंदर में फ्रिज हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, या आपके फैन हो गया, क्या आपके घर के अंदर है, ठीक है, इनसाइड हाउस. और घर के बाहर में ट्रेन, ट्रेन आपके घर में तो आ नहीं सकती, तो क्या है, बाहर है, बस है, ठीक है, और एरोप्लेन है, ठीक है. तो ये चीज़ें, तो जो भी चीज़ें आपके घर के अंदर होंगी, जैसे वाशिंग मशीन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कूलर है, वो सब सारी चीज़ें वो इनसाइड हाउस हो गई. आउटसाइड हाउस जो घर के बाहर है, स्क्रीन है, साइकिल, कार, बस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें. तो आपको यहाँ पे एक क्विक असेसमेंट दिया हुआ है
जिसमें अगर घर के बाहर की चीजें हैं ठीक है तो उसको ओ लिखना है, और घर के अगर अंदर की चीजें तो आई लिखना है, इनसाइड दी आई आउटसाइड दी ये ओ, तो यहाँ पे आपको दिया गया है जगह ठीक है, तो आपको सारा वो भरना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर जो मशीन, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में मेन मेड मशीन है, हम लोग द्वारा बनाया गया कंप्यूटर और वो क्या है मशीन है ठीक है। इसको क्या चाहिए होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, बिजली ठीक है, लाइट, तो इसके बिना वो चल सकता है नहीं, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो उसको वो चाहिए ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी, वहाँ पे बुक पढ़ सकते हैं ठीक है, बुक भी आती है कंप्यूटर अंदर में, इसके अलावा वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं ठीक है, गाने सुन सकते हैं ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कलर करना हो, ड्राइंग करना हो ठीक है, तो हम उसको ड्राइंग बना सकते हैं उस पर और कलर कर सकते हैं उसमें ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना हो मैथ के ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें जो फाइलें रखनी हो, अपनी फोटोज रखनी है आपको, उसमें फोटो को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब मन उसका देख सकते हैं। तो कंप्यूटर कभी ठीक है बोर होता नहीं है ना ही थकता है, मतलब इसका ठीक है कि जो कंप्यूटर है, जैसे हम लोग इंसान हैं तो हम लोग क्या दो घंटे तीन घंटे काम करेंगे या फिर पढ़ेंगे भी, तो थोड़े तो क्या होगा नींद आने लगेगी, थक जाएंगे, पर कंप्यूटर को अगर आप दिन भर भी चलाते हो तो क्या थकेगा नहीं ठीक है, वो कभी बोर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ जो उन्होंने पढ़ा आपको, मैंने दो चीज़ कहा करने के लिए, वो दोनों क्विक असेसमेंट कीजिएगा और एक्सरसाइज है ठीक है, तो आपका लेसन वन यहीं पे खत्म होता है, जो भी एक्सरसाइज दी गई वो आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ठीक है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर जो कि चैप्टर 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही, थैंक्स।